Picking up some unfortunate news this morning, Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon has passed away after his long battle with illness. His son Ashutosh Tandon announced his demise on his Twitter page. Lalji Tandon was admitted to a hospital in Lucknow morning of 11 June with breathing problems, difficulty in urination and fever. He had problems in his lungs, kidney and liver as well. Early this morning, reports coming in of him passing away. His son confirmed the same on his Twitter handle, but unfortunate news that we've picked up this morning. 5:30, we believe he breathed his last and was admitted in the hospital for the past 10 days or so. This after he complained of breathing problems, urination, his kidney and liver and lungs as well were likely impacted, is why he passed away this morning. Vivek is with us to, in fact, talk to us through the details of what he's picking up. Vivek, unfortunate news coming in this morning. Aur jankari dijiye is pe. Dekhiye, Lalji Tandon pichle taqreeban 20 dinon se zyada ho gaya tha. Unki tabiyat ko kharab hui aur tab se hi wo Madhya Pradesh se laye gaye the. Madhya Pradesh se lane ke baad wo Lucknow ke Medanta Hospital mein admit the aur पिछले दिनों हालांकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी और उस समय माना जा रहा था कि उसी समय दिक्कतें काफी ज्यादा थी. उसके बाद उनको देखने के लिए खुद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान खुद आए थे उनको यहां पर देखने के लिए, और उसके बाद से लगातार उनका जो इलाज था वो शुरू था. और उनको देखने के लिए तमाम जो और जगहों के जो राज्यपाल रहे या जो मुख्यमंत्री रहे वो भी आए उनको देखने के लिए. खुद मुख्यमंत्री विगत नाथ गए थे, आनंदीबेन पटेल गई थी, ये लोग भी लगातार उनका हालचाल लेने के लिए जा रहे थे. लेकिन सबके बीच में वो वेंटिलेटर पे रहे और तकरीबन 20 दिनों से ज्यादा उन्होंने वेंटिलेटर पे उनका इलाज चलता रहा. और उसके बाद अभी आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं. इस बीच में मेदांता अस्पताल ने फाइनली इस बात को कंफर्म किया है, उनके बेटे ने इस बात को कंफर्म किया है कि अब वो नहीं रहे हैं. लालजी टंडन की बात करूं तो उनका लखनऊ के चूंकि वो रहने वाले रहे और एक लंबा रिश्ता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा समय दिया उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया जाए तो उनका उनके एक लंबे समय तक सहयोगी रहे अटल बिहारी वाजपेयी को. लखनऊ में एक एक जगह दिखाने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हर एक जगह जाने वाले पूरी तरीके से लालजी टंडन रहे. और उनका राजनीतिक इतिहास अगर आप समझने की कोशिश करिए तो विधानसभा में अपोजिशन के लीडर रहे वो, फिर उसके बाद वो लोकसभा गए, उसके बाद दो दो राज्यों के वो गवर्नर रहे, वो पहले बिहार के गवर्नर रहे, फिर वो मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे. तो अपने आप में एक लंबा इतिहास है उनका राजनीति में. और लोग उनको बाबूजी कहते थे, लेकिन आप ये समझिए कि आज तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का वाक्या बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं और अब लालजी टंडन इस दुनिया में नहीं रहे. Absolutely unfortunate news coming in. Lalji Tandon passes away at the age of 85. Vivek, you know, if we speak about the man himself, he's had a long-lasting career in politics. Often, his style of politics was also talked about amid peers and colleagues as well. He's remained governor of Bihar, following which he was made governor of Madhya Pradesh, where in fact he played a key role. Just this year in the month of March, when Madhya Pradesh was going through a political turmoil, not to forget to mention the kind of role Lalji Tandon had played that time. राजनीति के पुरोधा माने जाते थे लालजी टंडन, और लोग उनको उनकी उम्र के लिहाज उनकी उम्र के हिसाब से उनको लोग बाबूजी कहते थे. लेकिन राजनीति में उन्होंने अपने जीवन का लगभग 60 से 65 साल उन्होंने सिर्फ इसी राजनीति में दे दिया. उनके फादर भी जनसंघ से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, फिर वो खुद जुड़े रहे. उनका परिवार आज भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, वो उनके बेटे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं. तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिवेश था वो हमेशा से रहा उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर. और अभी आपकी चीज समझिए, जैसे आपने कहा कि जो इस बार मध्य प्रदेश के समय पे जो चीजें रही और जो मध्य प्रदेश में पूरी राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, उस वक्त जब सब कुछ, हालांकि जब राजनीति चल रहा था उस वक्त लालजी टंडन लखनऊ में थे, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में रह करके उन्होंने सारी चीजें बड़ी बारीकियों से उन्होंने सारी चीजों को समझा, देखा. फिर उसके बाद वो राजस्थान गए,
मध्य प्रदेश गए और वहां पर फिर उन्होंने सारी चीजों को बारीकियों से समझा और उसके बाद जो भी संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से जो भी सरकार को लटफेर हुआ उन सब में उन्होंने अपना संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक दायरे में रहते हुए चीजों को समझने की सुलटाने की कोशिश करी। तो ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो जो राजनीतिक उनका जो कैरियर रहा वो बहुत लंबा रहा और उसी नाते जो उनकी राजनीतिक समझ रही वो भी एक तरीके से अपने आप में काफी बड़ी रही है, काफी अहम रही है और उसी का फायदा उनको मिलता रहा। और इसी नाते जो लोग भी थे, लोग जो तमाम उनकी पार्टी के लोग थे या विरोध के लोग कहें या विपक्षी पार्टियों के लोग कहें, वो उनका सम्मान इसी नाते करते थे क्योंकि वो अपने आप में एक तरीके से लगभग 60 से 65 साल का समय उन्होंने राजनीति में दिया था और उसके बाद शुरुआत से वो जनसंघ में रहे, शुरुआत से वो RSS में रहे, उनके फादर एक तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव रहे, तो एक लंबा इतिहास रहा है उनका। In fact, his old school practice of patience and buying time in politics also was much talked about. Vivek, thank you for joining us and sharing that perspective with us. But really unfortunate, veteran politician and Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon passes away at the age of 85.